राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की थी। इसको लेकर प्रदेश को के गृह और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उन्हें सुरक्षा देने की पेशकश की। ऐसे में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुभाष श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया के ऊपर जिस प्रकार से कल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, उससे चिंतित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनको पत्र लिखा। आइए जान लेते हैं। जी मंत्री, देखिए लगातार समाचार पत्रों में ये खबरें प्रकाशित हो रही है कि माननीय दीपक बावरिया जी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार धक्का मुक्की, हमले, ऐसी घटनाएं हो रही है। और इसलिए हमने गृह मंत्री के नाते उनको पत्र भेजा है कि अगर वो ये महसूस करते हैं कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो हम सुरक्षा व्यवस्था उनको उपलब्ध कराएंगे। क्या बावरिया जी तक ये पत्र पहुंच गया है? क्योंकि संचार माध्यम इतने तगड़े हैं कि तुरंत ही जो है किसी ने व्हाट्सएप भी कर दिया होगा, तो क्या उन तक ये खबर पहुंची? ये मुझे जानकारी नहीं, मैंने अपनी ओर से उनको पत्र भेजा है और जैसे उनकी अगर सहमति आती है तो हम सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीवा में दीपक बावरिया से धक्का मुक्की की है, उससे चिंतित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उनकी सुरक्षा के लिए उनको पत्र लिखा है। यदि दीपक बावरिया उसका जवाब देते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर का। कैमरामैन अमन के साथ सुभाष श्रीवास्तव, जेके 24/7 न्यूज भोपाल।